नक्सलियों की मदद करने के आरोप में एक सरकारी MBBS डॉक्टर समेत 3 नक्सल समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गश्त के दौरान ये तीनों नक्सली शहीद सप्ताह के बैनर लगाए पाए गए। गिरफ्तार लोगों में कमलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के MBBS डॉक्टर पवन उइके भी शामिल है। आशंका है कि ये तीनों नक्सलियों को रसद मुहैया करा रहे थे। तीनों पर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुलिस विभाग को सूचना मिली कि गढ़चिरौली जिले के कमलापुर इलाके में कुछ अज्ञात लोग नक्सलियों को बांध रहे हैं। पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारी गुपचुप तरीके से जंगल में छुपकर इसकी जानकारी ले रहे थे। कमलापुर के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत MBBS डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 आरोपियों की पुलिस टीम गढ़चिरौली ने यहां गिरफ्तारी की। गढ़चिरौली जिले के सीमावर्ती इलाकों में दहशत पैदा करने के लिए नक्सलियों द्वारा ये बैनर हमेशा वन क्षेत्र में या सड़क के पास लगाए जाते थे। इसी सप्ताह नक्सलियों ने एक सरपंच की हत्या कर दी थी। इसी पृष्ठभूमि में गढ़चिरौली पुलिस अलर्ट मोड पर थी और हर क्षेत्र में अभियान चला रही थी। पुलिस के अभियान के दौरान आरोपियों को रंगे हाथ पोस्टर लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अहेरी तालुका का कमलापुर नक्सलियों के घर के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने काफी हलचल मचा दी थी। पुलिस को ये पता लगाना होगा कि डॉक्टर स्वेच्छा से ये सब कर रहा था या दबाव में। नक्सली हर साल नक्सली सप्ताह मनाते हैं, ऐसे में नक्सली गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। ये तीनों बैनर लगाते हुए मिले। पुलिस को ये मामले की जड़ तक पहुंचना होगा, क्योंकि नक्सली सप्ताह के दौरान नक्सली ज्यादा अधिक सक्रिय होते हैं। VKB न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़ी की रिपोर्ट।